नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माउस पैड की और क्या आपको एक अच्छा माउस पैड लेना चाहिए। दोस्तों, आपने एक बजट या फिर काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में आपने कीबोर्ड माउस वगैरह तो ले लिया, बट देन उसके बाद आपने एक माउस पैड या तो नहीं लिया, या तो अमेज़न बेसिक का या कुछ भी नॉर्मल लेवल का, जो कि मतलब 200 से 250 के अंदर आता है, वैसा कोई छोटा सा माउस पैड ले लिया। मेरे पास भी एक वैसा है, जैसे कि जो कि कॉस्मिक बाइट की तरफ से आता है, होप आपको दिखेगा। ये मेरे को 235 के आसपास पड़ा था, स्पीड एडिशन लिया था। ठीक ठाक माउस पैड है, और लेकिन बात ये कि उनकी ट्रैकिंग अच्छी नहीं होती है। तो मैं आजकल काफ़ी सारे माउस इकट्ठा कर रहा हूँ एक लंबे रिव्यू के लिए। तो उसके लिए मैंने सोचा मुझे अपना एक माउस पैड रिव्यू करना चाहिए। मैं बेसिकली ऑरस का ये एक्सटेंडेड माउस पैड यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग देता है, उतनी खास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें साथ मुझे दो प्रॉब्लम हो रही थी। एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि थोड़ा सा स्लो है मेरे लिए, और दूसरी प्रॉब्लम थी इसका जो आप लेंथ देख रहे हो। ऑल्दो मैं काफ़ी हाई सेंसिटिविटी में खेलता हूँ, अबाउट 1200 से 1600 के आसपास, डिपेंडिंग कौन सा गेम है, बट लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो, जो वर्टिकल लेंथ जो है वो मेरे को काफ़ी कम मिल रही है। तो उस वजह से क्या होता था, कभी कभी फास्ट पेस गेम में जब मैं मतलब अपना माउस आगे पीछे करता था तो काफ़ी एज में हाथ चला जाता था। तो मैंने सोचा ठीक है, एक एक्सटेंडेड माउस पैड पे इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, रेजर था, हाइपर एक्स था, और अभी मैं जिसका रिव्यू करने वाला हूँ वो भी था। काफ़ी सर्च किया और उसके बाद मुझे मिला ये मास्टर रेस माउस, जो कि है ग्लोरियस की तरफ से। चलिए अभी कर लेते जो कि मेन सामान है, जो कि हमारा माउस पैड है, उसकी अनबॉक्सिंग और उसका थोड़ा इनिशियल टेस्टिंग, और फिर कुछ दिनों के बाद आपको मैं पूरा फुल रिव्यू दूंगा। ये पैड मेरे को बहुत बहुत विड्थ वाइज, लंबाई वाइज मुझे बहुत बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था आपको, मेरा जो प्रीवियस जितने भी माउस पैड है वो काफ़ी छोटे हैं, अबाउट 300 mm के आसपास वो ख़त्म हो जाते, लेकिन ये 400+ है, क्योंकि मुझे चाहिए था ऐसी वर्टिकल हाइट के लिए थोड़ा मुझे चाहिए था। तो हाइट तो मुझे काफ़ी पसंद आई, लेंथ का हम देखते हैं। यहाँ पे कहीं पुल टैब होना चाहिए ओपन करने के लिए, ये रहा। सो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी, ख़राब नहीं थी, एक्सेप्शनल भी नहीं थी, बट आपका माउस प्रॉपरली एडिक्वेटली है ना प्रोटेक्टेड था। तो इसको हम फैलाते हैं, जॉनी भैया को थोड़ा सुला देते हैं। ओ ओ हो हो, अंदर आपको और भी मटेरियल आया है, एक आपको स्टिकर आया है और थोड़े इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब भाई ये कंपनी है ग्लोरियस, जो कि सही में ध्यान देती है वो लोग क्या बना रहे। और भाई क्या लेंथ है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आपको दिखाने के लिए, बट मज़े आ गए, मतलब लिटरली मज़े आ गए, मैं आपको क्या बोलूँ। जो मैंने इस पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में दे दूँगा, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मज़े आ गए, मतलब क्या बताऊँ। लेंथ और हाइट वाइज परफेक्ट, मेरे यूज़ के लिए परफेक्ट। मेरे को एक्सटेंडेड पसंद होते हैं, कीबोर्ड वगैरह आप उस पर रख सकते हो, लेकिन वो FPS गेमिंग के लिए स्पेशली इतने छोटे, मेरे हिसाब से तो जो ये जो लेंथ होती है इतनी, यहाँ से यहाँ, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से आपका यहाँ तक, ये जो है FPS मेरे हिसाब से स्पेशली लो सेंसिटिविटी प्लेयर के लिए तो काफ़ी कम है। तो मेरे को एक एक्सटेंडेड माउस पैड चाहिए था जो काफ़ी लंबा हो, और मैंने फाइनली बहुत ढूंढने के बाद, बहुत रिसर्च के बाद ये ख़रीदा है। तो ये एक हाइब्रिड पैड है बेसिकली, थोड़ा मतलब टेक्सचर से अगर मैं बोलूँ तो मेरे को फील हो रहा है, मतलब एक मिक्स है आपका स्पीड और कंट्रोल का। तो थोड़ा यूज़ करेंगे, अभी मैं सेटअप करता हूँ, सेटअप के बाद मैं वापस आता हूँ।
तो अभी हम वापस आ गए एक प्रॉपर आज की डेट में सही बोले तो एक अल्ट्रा मॉडर्न माउस के साथ जो कि एक टॉप एंड सेंसर यूज़ करता है और उसके साथ जो अल्ट्रा वीव केबल्स आती है वो यूज़ करते हैं। मेरे पास माउस बंजी नहीं है तो मैं एक चीप ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, बट ठीक है अभी हम माउस पैड का रिव्यू कर रहे हैं तो ज़्यादा हम भटकेंगे नहीं। तो ग्लाइड दिखाने के लिए क्योंकि ये PTFE फीट्स यूज़ करते हैं जो कि जिसकी क्वालिटी 102 से ज़्यादा बेटर है, मेरा 102 कोने में है तो, और मैंने यहाँ पे माउस बंजी को भी थोड़ा सा सिमुलेट किया हुआ है। तो अब देखते ग्लाइड्स, देख रहे कितनी आसानी से ग्लाइड कर रहे हैं। ऑल्दो मेरे को थोड़ा अटक रहा है क्योंकि अगेन मेरे पास माउस बंजी नहीं है, मैं फ्यूचर में उस पर 100% इन्वेस्ट करने वाला हूँ, बट अब ग्लाइड देखिए है ना, तो मतलब मज़े आ जाएंगे इसमें खेलने में। तो अभी हम खेलते हैं देश का, हमारे देश का गेम जो कि है CS:GO। कौन सा दोस्तों अभी बारी आती है कंक्लूजन के। मैंने इस माउस पैड को ऑलमोस्ट एक हफ़्ता यूज़ किया, मैंने इसको एक्सटेंसिवली गेमिंग के लिए यूज़ किया जैसा कि आपने देखा, थोड़ी प्रोडक्टिविटी वर्क्स के लिए भी यूज़ किया जैसे कि अभी वीडियो एडिटिंग इसमें हो रही है, और थोड़े बहुत अपने ऑफिस वगैरह के काम के लिए भी यूज़ किया, ठीक है। तो और इसका कंपैरिजन मैंने ऑब्वियसली अपने सस्ते कॉस्मिक बाइट स्पीड और मेरे को गीगाबाइट ऑरस की तरफ से मिला हुआ जो एक स्पीड पैड है उसके साथ भी मैंने किया, तो ऑब्वियसली लाइक वो दोनों एक फास्ट या तो स्पीड पैड है तो उसमें कंट्रोल थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड मुझे एक्चुअली वो ठीक नहीं लग रहे थे। मतलब कॉस्मिक बाइट तो सही बोलो स्पीड के हिसाब से मतलब कुछ भी है वो, तो अवॉइड ही करो कॉस्मिक बाइट का। तो रही बात गीगाबाइट का जो माउस पैड आता था वो अभी प्रोडक्शन में नहीं है तो मैं आपको अगेन रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। तो आज की डेट में अगर आपको स्पीड में कोई माउस पैड लेना है तो मेरे ख्याल से एक ही आपका ब्रांड बचता है जो कि है HyperX की तरफ से, बट मैं जनरली थोड़ा कंट्रोल माउस पैड प्रेफर करता हूँ क्योंकि देखिए आज की डेट में जो भी माउसेस आते हैं जैसे कि ये कूलर मास्टर का MM711 रखा हुआ है तो वो सारे माउसेस आपका काफ़ी अच्छे सेंसर के साथ आते हैं, 3389, 3370, 3335 जैसे कि HyperX हास्ते का हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो माउस पैड हैं इनकी एक्स और वाई एक्सिस ट्रैकिंग और पोलिंग रेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का ज़्यादा इश्यूज नहीं है एक्सेप्ट एक मॉडल में भी जो कि आपका रेजर का वाइपर मिनी है, ठीक है शायद उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है उसको तो, बट ओवरऑल मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आजकल मतलब 4000 भी आप पे करते हो या उससे कम भी पे करते हो तो उसमें भी आपको एक बहुत अच्छा ग्रेड का सेंसर मिल जाता है। तो जब आपको इतना अच्छा ग्रेड का सेंसर मिला है देन उसके साथ आपको ये जो इतने अच्छे स्केट्स या फिर आप बोलोगे माउस की फीट्स मिली है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो आप क्यों आप एक है ना नॉर्मल जैसे कि मतलब मेरा ये डेस्क हो गया या फिर आपका कुछ भी मतलब अमेज़ॉन बेसिक वगैरह का जो भी मतलब बहुत ही भद्दे जो माउस पैड्स आते हैं उस पर आप क्यों इन्वेस्ट करोगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको
बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने गेमिंग में देखा ही होगा मेरे वीडियोस में, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को वो नहीं चाहिए होता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता, अनटिल अनलेस आप 800 या ऐसे कुछ 700-800 DPI में खेल रहे हो, तब ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रिव्यू पर्पस के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना बड़ा माउस पैड लिया, बट उतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप अबाउट 1000 से लेके 1200 में आप एक आज के डेट में एक अच्छा माउस पैड ले सकते हो। ग्लोरियस का भी मिल जाएगा आपको उस प्राइस रेंज में, आपको रेजर का भी मिल जाएगा और आपको हाइपर एक्स का भी मिल जाएगा, और बहुत ही जल्दी एक और ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है माउस पैड लेकर आ रहा है, तो वो भी मिल जाएगा। मैं आपसे ये बोलूँगा, अगर आपका माउस जो है जो एक अच्छा सेंसर रखता है, जो कि एक अच्छा सेंसर यूज़ करता है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा है ना, भले ही थोड़ा बाद में लो, लेकिन थोड़ा अच्छे माउस पैड में इन्वेस्ट करो। ये तो मैंने अभी तक आपको बताया कि एक बेटर माउस पैड क्यों लेना चाहिए, अब मैं बताता हूँ आपको ग्लोरियस का माउस पैड क्यों लेना चाहिए, ठीक है। देखिए, अभी एक बोलते हैं इंडिया में, मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन से स्पीकर रेजर का स्पीड आता था, किसी का भी मतलब बाकियों का भी स्पीड आता था, स्टील सीरीज का QCK हुआ करता था। मैंने एक्सपेंसिवली सारे माउस पैड यूज़ किया, और सही बोलूँ तो मेरे को थोड़ी ज़्यादा आदत स्पीड माउस पैड पर खेलने की ही आदत है, लेकिन तब टाइम भी थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि तब मैक्सिमम जो माउसेस थे वो काफ़ी हैवी हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में जब सारे लाइट वेट माउस मिलने लगे, सब क्लॉथ माउस पैड पर आ गए, जैसे कि ग्लोरियस का, जैसे कि ये हाइब्रिड माउस पैड है, ठीक है, स्पीड और कंट्रोल के बीच में। फिर आपका रेजर का जो जाइजेंटस V2 मिलता है वो कम्प्लीटली क्लॉथ पैड है, तो ऑब्वियसली कंट्रोल है। आपका हाइपर एक्स का जो फ्यूरी S आता है वो एक स्पीड और एक क्लॉथ वेरिएशन में आता है। फिर XPG का जो माउस पैड आता है वो भी क्लॉथ वेरिएशन में, और एक ब्रांड बहुत जल्दी एक बहुत ही बढ़िया माउस पैड लेकर आने वाला, वो भी आपका क्लॉथ होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जो ज़्यादा अवेलेबिलिटी है आज की डेट में क्लॉथ माउस पैड की है, तो उस हिसाब से मैंने भी अपने आप को, मैंने सोचा कि ठीक है, इतने दिन हमने, इतने सालों हमने गेमिंग करी स्पीड में, अब धीरे धीरे ट्राई करते हैं हाइब्रिड या तो है ना क्लॉथ की। और वैसे भी अगेन जो सेंसर्स, जो आज की डेट में जो सेंसर्स मिलते हैं बहुत 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 ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी ट्रैकिंग है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्लॉथ माउस पैड यूज़ करने में, स्पेशली अगर वो अच्छे हो। तो मैं बोलूँगा एज ए हाइब्रिड माउस पैड, मुझे तो ये ग्लोरियस का काफ़ी पसंद आया। मेरी ट्रैकिंग इनफैक्ट जो यहाँ जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, ये स्पीड माउस पैड जो था ऑरस की तरफ से, उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। सो हाँ, इन कंक्लूजन मैं यही बताना चाहूँगा कि आज की डेट में आप एक माउस पैड, अगेन एक माउस पैड पिक करो, एक अच्छा वाला पिक करो। अगर आपको क्लॉथ माउस पैड एग्जैक्टली नहीं चाहिए, तो एक हाइब्रिड माउस पैड ग्लोरियस की तरफ से, जो कि बहुत ही मतलब फाइन होता है, सो इस वजह से ये आपका है ना, मैं वीविंग दिखाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं मैं आपको ठीक से दिखा पाऊँगा कि नहीं, बट अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है, तो उस वजह से ये आपको एक बैलेंस्ड स्पीड और कंट्रोल का एक बैलेंस आपको प्रोवाइड कर पाता है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए, आपको 100% कंट्रोल नहीं चाहिए, ले सकते हो। और बाकी तो मैंने कंट्रोल के पैड्स गिनाए हैं रेजर की तरफ से, हाइपर एक्स की तरफ से, और एक और ब्रांड लेकर आने वाला है, तो परचेस कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छे माउस पैड में इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी सारे सामान बाकी है, हमको काफ़ी सारी वीडियोस एडिट करनी है, बहुत सारी वीडियोस बनानी है, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो एटलीस्ट एक लाइक रख दीजिएगा, ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो कर पाए। अगर आपको ये कंटेंट्स पसंद है, आपको गेमिंग हार्डवेयर रिलेटेड कंटेंट्स पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हम कोशिश करेंगे है ना, जितना ज़्यादा कंटेंट हम लेकर आते हो, अगर आप एटलीस्ट वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, या फिर अगर आप एक लाइक या सब्सक्राइब कर देंगे, तो बैकग्राउंड में जितना चीज़ पड़ा हुआ है, और मेरे मतलब थोड़ा माउस का भी मैं सोच रहा हूँ कि है ना एक रिव्यू करूँ कंपैरिजन, और भी मेरे पास एक दो माउस और पड़े हुए हैं, G402 लेजेंडरी माउस पड़ा हुआ है, तो उन सबका शेप वगैरह कौन सा क्या ज़रूरी होता है, अगर ऐसा एक वीडियो लेकर आऊँ, तो फिर आप थोड़ा सपोर्ट करो है ना, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो, शेयर वगैरह करो, व्यूज़ बढ़ाओ, तो हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे और करेंगे, और ऑब्वियसली अपने सजेशंस
कमेंट में दो। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और थैंक यू अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो। धीरे धीरे बाकी रिव्यूज़ और भी हार्डवेयर के रिव्यूज़, सिर्फ माउस रिलेटेड नहीं, हेडसेट, पीसी, ग्राफिक कार्ड, सीपीयू, मॉनिटर्स, बहुत बहुत सारे रिव्यूज़ आने वाले हैं। तो फिर बने रहिए, देखिए। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।